मुअज्जज़ सामईन इकराम समाअत फरमाए। शायर लिखता है, कभी कभी अपनों से ऐसा दर्द मिलता है, कभी कभी अपनों से ऐसा दर्द मिलता है कि आंसू तो पास होते हैं, कि आंसू तो पास होते हैं मगर रोया नहीं जाता, आंसू तो पास होते हैं मगर रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता। मेरे दोस्तों, जब अपनों से बात करो तो प्यार से बात करो, कभी गुस्से में गलत बातें ना किया करो। गलत बातें जब ज़बान से निकल जाती है तो फिर वो कभी दोबारा वापस नहीं होता। इंसान को अगर हम मार देंगे तो वो मार की जो चोट है वो कुछ दिनों के बाद मिट जाती है, मगर ये ज़बान की जो चोट है वो मरते दम तक कभी नहीं मिटता। मेरे प्यारे, ये ज़बान ही जो है जो इंसान के दिलों में राज करता है, और ये ज़बान ही जो है इंसान के दिलों में अपना दुश्मनी का ठिकाना बनाता है। तो मेरे दोस्तों, अपने ज़बान के अल्फाज को, अपने ज़बान से निकली हुई आवाज़ को मीठे लहजा बनाएं, मीठे बातें करें, और हमेशा अल्लाह ताला तमाम लोगों को अच्छे से बोलने की तौफीक दान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।